ये 2-in-1 वायरो बैंडिंग मशीन है जिसमें आप छोटा और बड़े होल दोनों वायरो बैंडिंग कर सकते हैं। आप सबको पता है कि वायरो बैंडिंग मशीन में दो स्टैंडर्ड होते हैं, 3:1 और 2:1। तो 3:1 और 2:1 अलग अलग बाइंडिंग होती हैं जिसमें जो होल्स हैं उसका भी डिफरेंस होता है साइज में और रिंग्स का भी डिफरेंस होता है। तो काफ़ी कस्टमर्स को इसमें कंफ्यूजन होती है कि 2-in-1 और 3-in-1 में या 2:1, 3:1, 2-piece, 3-piece सब एक ही चीज़ें, इनमें क्या डिफरेंस क्या होता है और क्यों इसके लिए हमें अलग अलग मशीन लेनी पड़ती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको मैं सैंपल एक देख लीजिए, हम आपको रिंग दिखाते हैं। इस रिंग को आप देखिए, जो छोटा साइज है इसको 3:1 कहते हैं। 3:1 मीन्स 1 इंच में 3 रिंग, 3 टीथ, ठीक है। और 2:1 मीन्स 1 इंच में 2 टीथ। तो इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, एक याद रखने के हिसाब से। अदरवाइज जो इसका स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। जो छोटा वाला वायर होता है 3:1, 3 पीच वाला, इसमें A4 साइज में 34 टीथ होते हैं, ये स्टैंडर्ड है। आप कभी भी कहीं पे भी अगर कट पीस में वायरो लेते हैं तो ये आपको मिलेगा 34 टीथ में। तो इसके जो A4 के पंच मशीन, किसी भी वायरो मशीन में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, कोई भी मशीन होगी, 3:1 कभी भी आप होगा लेंगे तो उसका आपको 34 होल का ही मशीन मिलेगा, ये मस्ट है। दूसरा 2:1, 2:1 1 इंच में 2 होल, जिसको हम याद रखने के लिए समझ सकते हैं। तो इसमें आप कभी भी कोई भी मशीन देखेंगे तो इसमें 23 होल्स आपको A4 साइज में मिलेंगे, मीन 23 टीथ्स हैं इसमें जो आपको A4 साइज में पंच करने पे मिलते हैं। अब ये डिफरेंस आप समझिए। अगर आप एक मेरे पास ये बाइंडिंग है, मैं इसमें आपको समझाता हूँ। हमने ये जैसे बाइंडिंग किया हुआ है, अब आप समझने की कोशिश करें तो अब इसमें आपके होल्स आप देखिए किस तरह से मैच करेंगे। ऊपर 34 होल हैं और नीचे जो हैं 23 होल्स होंगे, तो किसी भी एंगल से आप जो है इन टीथ को इनके अंदर मैच नहीं कर सकते। या फिर जो अगर आप इन जो छोटी वायरों है, छोटी वायरों को भी बड़े होल्स में आप मैच नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड है, आप समझिए। इसमें ना छोटा का हो वायरो बड़े होल में जाएगा, ना बड़ा रिंग छोटे होल में जा सकता है, क्योंकि होल्स मैच नहीं करते हैं। इसलिए दो मशीन ही लेनी पड़ती हैं वायरो बाइंडिंग मशीन में, 2:1 अलग और 3:1 अलग। दोनों मशीन में क्या डिफरेंस हैं, क्या मॉडल्स हैं, वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। आप देखिए, जैसे ये वायरो बाइंडिंग मशीन्स हैं, इनमें जो हमारे पास मॉडल्स हैं ये हल्की लो क्वालिटी के कुछ मॉडल्स हैं A4 साइज में, ये सब हैवी थोड़ी मशीन्स आ जाती हैं। अभी हम जिस मशीन को देख रहे हैं वो आप देख लीजिए, ये 2-in-1 मशीन है, 2:1 और 3:1 दोनों आप इसमें देख रहे हैं। तो इसमें हम एक ही मशीन में दोनों काम कर सकते हैं। अदरवाइज काफ़ी कस्टमर्स जो कहते हैं नहीं हमें तो सेपरेट मशीन चाहिए, तो उसमें ये कुछ मॉडल्स आते हैं, अभी नया मॉडल 970 भी आ रहा है इसमें, तो इन मशीन में आप सेपरेट 2:1 अलग और 3:1 अलग, मतलब दो मशीन आप लगानी आपको पड़ती हैं। पर अब हमारे पास ये 2-in-1 मशीन भी अवेलेबल है, तो एक ही मशीन में आप दोनों काम कर सकते हैं। तो यूज़ क्या है मशीन के, कुछ आप फंक्शंस देख लीजिए। जैसे आप मशीन में देखेंगे ये हैंडल दिया हुआ है, ये वायरों को पंच करने के लिए हैंडल दिया है, इससे आप वायरों पंच कर सकते हैं स्क्वायर होल्स। और ये जो है स्पाइकों के लिए, ये वायरों 2-in-1 के लिए, सॉरी 2 पीस का जो वायर होगा वो आपको यहाँ से इस हैंडल से पंच करना है। तो दोनों के लिए अलग अलग हैंडल दिए हुए हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, इसका हैंडल बड़ा है, इसका हैंडल छोटा है, बिना हटाए आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जो आपका हैंडल है ये, इससे आप जो है वायरों को प्रेस करेंगे। ये देखिए आप यहाँ से वायरों जो है आपकी यहाँ से इससे प्रेस होगी। इसको प्रेस करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो साइज आपको सेट करना है वायरों का, वो इस हैंडल से, यहाँ पे ये हैंडल मूव करता है, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये निशान आ रहा है। जैसे जैसे आप इसको घुमाते रहेंगे इस तरह से, ये आपका साइज़ आगे बढ़ता रहेगा। तो जो साइज़ आपको यूज़ करना है उसके साइज़ के हिसाब से आप इसको प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे सब साइज़ दिए हुए हैं। 4.8 से 22 वायरो शुरू हो जाती है, 4.8, 6.4, 7.9, 9.5, 11, 12, 14, 16, 19, 22 और ये 31 तक इसमें साइज़ जो हैं प्रेस हो जाते हैं। हमारे पास ये सब साइज़ की वायरों भी अवेलेबल होती है,
आपको मैं दिखाऊंगा एक बार, आप यहाँ नजर कीजिए, वाइट, ब्लैक, सिल्वर और गोल्डन, वाइट, ब्लैक, सिल्वर और गोल्डन, ये चार कलर्स हमारे पास हमेशा अवेलेबल होते हैं वायर्स में। हमारी कोशिश होती है कि स्टॉक हमारे पास तो पूरा रहे, और ये वायर्स हमारे पास इन सभी साइजेस में अवेलेबल हैं, 4.8 mm से लेके 31 यहाँ पे दिया है, पर हमारे पास 38 mm तक वायर अवेलेबल है। 38 mm का भी जो मैक्सिमम साइज़ होता है 38, वो भी आप चाहें तो हमारे यहाँ से ले सकते हैं इन सभी कलर्स में। तो अब इसका यूज़ मशीन का आप समझ लीजिए, मैं आपको एक बार कुछ शीट्स पंच करके एक बार मशीन को सेट कैसे करना है वो बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। कभी भी आप मशीन यूज़ करने से पहले आप ये देख लीजिए आपके पंच जो हैं वो किस पोजीशन पे हो रहे हैं, किस मार्जिन पे हो रहे हैं, ताकि आपको यूज़ करने में ईजी रहे। कई बार आपने देखा होगा पंच कट जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो लीवर दिया हुआ है, इस लीवर से आप इसको सेट कर सकते हैं। हम इसको एक नॉर्मल सेट कर देते हैं, तो इस तरह से आप पंच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको इसको मूव करना है या नहीं करना है। अभी ये हमारा प्रॉपर एकदम परफेक्ट है। कुछ शीट्स में कभी आप देंगे स्टार्ट जब करते हैं तो पंच जो है आपके तिरछे या फिर टेढ़े कटिंग हो जाते हैं या क्रॉस कट हो जाता है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, इस लीवर से। ऐसे ही हम ऊपर के पंच भी चेक करेंगे, ये देखिए। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको जब भी यूज़ करना है कितनी आपको इसमें कैपेसिटी मार्जिन रखना है, मार्जिन का भी आप इसमें आइडिया देख लीजिए। मार्जिन कैसे सेट करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लीवर दिए हुए हैं, हम इन दोनों लीवर्स को अभी बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद करने के बाद आप देखेंगे तो जो डिफरेंस आता है पंच में, ये हमारा छोटा और ये बड़ा, यहाँ से दोनों शायद क्रॉस चलते हैं, ये देखिए। अब दोनों को आप मैच कीजिए, ये देखिए दोनों के जो बैक साइड का मार्जिन है, ये मार्जिन, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये देखिए इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पे बड़े होल में भी कम है और इसमें ज़्यादा है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें इसमें मार्जिन और ज़्यादा आप रख सकते हैं, इसको आप और बाहर खींच दीजिए इस तरह से, ये देखिए। अब आपका जो मार्जिन है ये इन तीनों शीट्स में सबसे ज़्यादा हो जाता है, आप देखिए यहाँ पे आपका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये मार्जिन बढ़ाने का जो यूज़ है, इसका यूज़ क्या यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार आपने बहुत पतली किताब बाइंडिंग करनी होती है, मतलब 10 शीट की 15 शीट की, अगर आपका मार्जिन ज़्यादा है तो वो आपकी किताब इस तरह से खिंच जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर आपको मान लीजिए एक थिक बुक बाइंड करनी है, जैसे इसमें 31 mm दिया, 300 mm की पेज की अगर आपको किताब बाइंड करनी है, और अगर आप उसको कम मार्जिन पे, मतलब इस पे अगर आप उसको बाइंड करते हो, तो क्योंकि बुक में वेट होगा, अगर आपका हाथ लगता है आप खींचते हैं तो आपके पेपर फट सकते हैं। पर यहाँ पे जब आप मार्जिन बढ़ा देते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना मार्जिन रखिए, मार्जिन बढ़ाने के बाद आपको मजबूती आती है किताब में, किताब फटेगी नहीं आपकी। इसका ये एडवांटेज एक आपको मिलता है मशीन में मार्जिन सेटिंग से। इसके अलावा जो मशीन में फीचर है वो आपको देख लीजिए। आपने कई बार देखा होगा जो कुछ लोग बाइंडिंग करते हैं वो कुछ डिज़ाइन में बाइंडिंग करते हैं, मतलब कुछ रिंग्स यहाँ पे देते हैं, फिर गैप छोड़ देते हैं, फिर रिंग्स पहनाते हैं, फिर गैप छोड़ देते हैं और फिर रिंग्स पहना देते हैं। तो उसका जो यूज़ है वो किस तरह होता है वो देखिए। अब जैसे हम यहाँ पे शीट रखते हैं, हम यहाँ पे जो सेलेक्टर्स हम यहाँ पे खींचेंगे, 1 2 3 4 5, फिर हम गैप दे देंगे 1 2 3 4 5। अब ये देखिए इसको हम पंच करते हैं, तो अब आपको ये कुछ समझ में आ जाएगा। जहाँ पे ये आपके होल्स हैं यहाँ पे आप बाइंडिंग करिए, रिंग्स पहनाइए, बाकी आपका ये जो पोर्शन है ये खाली रहेगा। तो ये डिज़ाइन में जो बाइंडिंग होती है वो इसी तरह होती है, आप पंच करके और फिर बाइंडिंग यहाँ पे रिंग करके इसको आप यहाँ से बाइंडिंग कर सकते हैं, वायरों को प्रेस कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया इसके जो जो फंक्शंस हैं। अब मैं आपको मशीन को एक बार ऑपरेट करके बताता हूँ कि किस तरह से मशीन को ऑपरेट करना है। कुछ शीट्स आप ले लीजिए मशीन की, जैसे कैपेसिटी आप देखेंगे तो मशीन पे हमने दिया हुआ है, आप देखिए 25 शीट्स की इसकी कैपेसिटी है मशीन की, 80 ग्राम्स के पेपर की, काफ़ी हैवी मशीन है। बट फिर भी हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप मशीन में कम से कम पेजेस डालिए, ताकि मशीन की आपकी लाइफ बनी रहे और ये लॉन्ग लाइफ मशीन आपकी काम करें। मशीन्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी सालों तक वर्क करती हैं,
मशीन में आप वेट वाइज देखेंगे तो काफ़ी हैवी मशीन का वेट होता है। आप हमारी डायमेंशन स्पेसिफिकेशंस में मशीन का वेट भी चेक कर सकते हैं, अप्रोक्स 20 kg के आसपास है। तो इसको यूज़ कैसे करें, पहले मैं आपको 2:1 का यूज़ दिखाता हूँ जिसमें आप मोटी वायर का बाइंडिंग करेंगे। आपको इस तरह से इनको पंच कर देना है और पंच करने के बाद आपको सब शीट्स को रखते चले जाना है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। आप यहाँ से जो लीवर को आप यहाँ से आप इसको जब मार्जिन से टच करके चलेंगे तो आपके जितने भी पेपर होंगे वो आगे पीछे नहीं होंगे, सब एक के बाद एक एक ही गैप एक ही डिस्टेंस के सारे होल्स मैच करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की। तो आप बहुत ही इजीली कितनी भी क्वांटिटी होंगी आपकी बुक्स में आप उनको फाइंड कर सकते हैं। मैंने पंच कर दिया, अब इनमें रिंग्स किस तरह से आपने डालना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। बहुत बार जो है काफी कस्टमर बोलते हैं कि जी हम रिंग जब पहनाते हैं तो हमारा कभी लॉक आगे हो जाता है कभी पीछे हो जाता है, तो वो किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी बैक साइड की शीट है इसको भी आपको फ्रंट में ले लेना है इस तरह से, ठीक है, इसको भी आपने इस तरह से फ्रंट में ले लिया। अभी जो आपकी शीट्स हैं ब्लू और ये वाइट, वाइट वाली अंदर है फ्रंट में, उसके ऊपर ब्लू वाली शीट आ गई, ठीक है। अब इसका आप रिंग ले लीजिए, हम ये रिंग इसमें यूज करते हैं। अभी रिंग को आपने यहाँ पे हैंग कर देना है, ये इसके लिए स्टैंड बनाया हुआ रिंग के लिए, आपको जैसी कन्वीनियंट हो उसके अकॉर्डिंग आप रिंग को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपको रिंग में ये जो शीट्स हैं इन सबको आपने रखना है। आप चाहें तो जो एक्सपीरियंस होते हैं वो एक साथ भी सारी शीट्स रख देते हैं, और कुछ जो हैं न्यू हैं जैसे हम सिर्फ डेमो कर रहे हैं आपको तो मुझसे नहीं होगा, तो हम इसको इस तरह से रिंग को इसमें ऐड करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ से आपने सारे रिंग देख ली नीचे से सारे, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इस तरह से, और ये फ्रंट देखिए ये सारे इसमें बहुत ही इजीली आपके पेपर इंसर्ट हो जाते हैं। नीचे दिखाइए इस तरह से, यहाँ से आपको टीथ के आगे रखना है होल्स को, और इस तरह से इसको इजीली आपने इसको मूव कर देना। यहाँ से आप इसको सबको निकालेंगे, निकालने के बाद अब हमें हमेशा ये याद रखना है हमने जो वायर यूज़ किया है वो कितने mm का है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 19 mm सेट किया है तो 19 mm का जो है हम वायर यहाँ पे पंच करेंगे यूज़ कर रहे हैं, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पे रख दीजिए स्टैंडिंग में, इसको आपने पकड़ के रखना है, और क्योंकि आपने ये ऑलरेडी सेट कर दिया है मार्जिन अपना तो आपको सिर्फ हैंडल प्रेस करना है। तो ये जो हैंडल है ये वायर प्रेसिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था इधर से आप इसको पूरा प्रेस कर दीजिए। तो आपने 19 mm सेट किया था तो उतना ही प्रेस होगा, उससे ज़्यादा ये प्रेस नहीं होगा, ये आपकी वायर एकदम प्रॉपर तरीके से परफेक्टली प्रेस हो चुकी है, ये देखिए आप। अब आपने जैसे ये जो बैक साइड की शीट को फ्रंट में लाए थे इसको आप वापस ले जाइए, तो ये आपका बाइंडिंग एकदम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट बाइंडिंग हुआ है, लॉक जो है वो बैक साइड पे आ गया है, ये देखिए यहाँ से आपका लॉक हो गया है जो आपको फ्रंट में नज़र नहीं आएगा, तो ये आपकी बाइंडिंग इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही ईजी है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, कोई भी ऑपरेट कर सकता है। तो इसी तरह से जैसे ये 2:1 हमने थिक बुक बाइंड की है, देख लीजिए अप्रोक्स 200 शीट्स इसमें हैं, तो 200 शीट का हमने ये बाइंडिंग किया है। सेम जो इसका यूज़ आता है वही 3:1 में आता है, 3:1 के लिए भी आपको सेम इसी तरह से ही बाइंडिंग करना है। आप अगर मैं एक बार आपको फिर भी छोटा सा एक बाइंडिंग करके दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको बाइंड करना, आप ये शीट्स को पंच कर दीजिए, जितनी भी आपकी शीट्स हैं इनको आप पंच कर लें।
दोबारा भी स्टोर डेट आप कर सकते हैं। ये आपने शीट्स पेपर आपके कंस हो गए हैं, कवर हम ले लेते हैं। एक बार और आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आपने वायर को पंच करना है, प्रेस करना है और लॉक किस तरह से आपने इसका सेट करना है। ये हमने बाइंडिंग कर दिया है। अब जो हमारा ये शीट है, ये देखिए फ्रंट का जो शीट है जिसे हमें ट्रांसपेरेंट को ऊपर रखना है इस तरह, और जो बैक का शीट है उसको भी हमने फ्रंट के ऊपर रख दिया इस तरह। अब हम रिंग ले लेते हैं। ये हमने रिंग ले लिया यहाँ पे। रिंग को आप यहाँ जैसे मैंने बताया स्टैंड इसका है यहाँ पे, आप इसको आराम से रख दीजिए। अगेन जो आपका ब्लू वाला पार्ट है, ब्लू वाली जो शीट है इसको आप यूज कर लीजिए। इस तरह से देखिए आप नीचे से आपने सारी शीट्स को, रिंग्स को होल्स के आगे रखना है इस तरह, और सबको एक साथ से आपने इसमें एंटर करवा देना है। यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए और फिर इस तरह स्टैंड में। अब यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि हमारा साइज़ क्या है। अब पहले हमारा यहाँ पे साइज़ था 19mm, और हमें इसको जो है छोटे साइज़ पे लाना है क्योंकि हम 3:1 का बाइंडिंग कर रहे हैं। तो हमारा जो इसमें साइज़ हमने दिया है वो 9.5mm 3x8 इंच का जो साइज़ है वो हमने यहाँ पे सेट किया है। तो इसको यहाँ पे आप इजीली 9.5 पे आप इसको सेट कर लीजिए। ये आपका 9.5 पे सेट हो गया। सेट करने के बाद आप इसको सेम उसी तरह से आप इसको बाइंडिंग करेंगे। ये आपका बाइंडिंग हो गया, लॉक हो गया है प्रॉपर, और इसको आप इस तरह से, ये आपका वायर बाइंडिंग कंप्लीट हो गया। तो इस तरह आपने देखा दोनों हमने बाइंडिंग इसमें करके दिखाई है आपको, बहुत ही इजी बाइंडिंग हो जाती हैं। तो ये आप सब जो सैंपल्स हैं वो देख रहे हैं, छोटा बाइंडिंग, बड़ा बाइंडिंग, मतलब थिक भी और थिन भी। और ये ध्यान रखिएगा दोनों के लिए अलग अलग ही मशीन होती है, या फिर आप 2-in-1 मशीन लीजिए या फिर सेपरेट, किस लिए सेपरेट लेना वो आप समझ गए होंगे। इसके जो रिंग्स हैं देखो कितने पास हैं और उसके कितने दूर है, एक दूसरे में नहीं जा सकते। ये स्टैंडर्ड है, इसमें 34 teeth में जो है बड़ा साइज का रिंग नहीं आता, और जो 23 teeth हैं उसमें छोटा रिंग नहीं आता। हमारे पास वैसे 23 teeth में स्मॉल साइजेस भी सभी साइज में अवेलेबल हैं, मतलब 23 teeth वाले हमारे पास 6mm 8mm 10-12 अप टू 38mm तक सब अवेलेबल है। बट क्योंकि मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो इसलिए स्टैंडर्ड आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा आप ये और देख लीजिए, आप दोनों मशीन्स में वायरों तो आप कर ही रहे हैं, वायरों के साथ साथ आप स्पायरल बाइंडिंग भी कर सकते हैं। सेम जो आपका होल है, सेम होल स्क्वायर होल्स में आप स्पायरल बाइंडिंग भी कर सकते हैं। ये हमने इसमें एक सैंपल करके दिखाया हुआ है, आप अगर देखेंगे तो स्क्वायर होल्स जो वायरों के होल हैं, स्क्वायर होल्स हैं, इन्हीं में हमने स्पायरल को भी डाला हुआ है ताकि आपको समझ में आए। तो उससे कोई इशू नहीं होता है, और आपके पास एक ही मशीन में आप कई तरह का जॉब कर सकते हैं, स्पायरल का भी और वायरों का भी। उसके अलावा जो छोटे होल हैं इसमें आप पतली बुक स्पायरल की बाइंडिंग कर सकते हैं, और जो बड़े साइज के होल्स की हमने वायर बाइंडिंग की है ये, इसमें तो आप अप्रोक्स मान लीजिए 500 पेज का भी स्पायरल है, क्योंकि वायरों आप 350 पेज से ज़्यादा बाइंडिंग नहीं कर सकते। तो इसमें आप स्पायरल रिंग यूज़ करके 500 शीट की भी आप बाइंडिंग कर सकते हैं। तो आपको मशीन क्लियर हो गया होगा, मशीन की जो ऑपरेटिंग है सब मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें आपको नहीं समझ आया या आप कुछ और समझना चाहते हैं तो नंबर्स आप तो हमारे देख सकते हैं यहाँ पे साइट पे, आपको नंबर हमारे मिल जाएंगे। gbtechindia.com साइट है हमारी, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सब यहाँ से बहुत इजीली मिल जाती है। तो फिर भी मैं आपको जो है ऑफिस एड्रेस एक बार कंफर्म कर देता हूँ, ये एक प्रोडक्ट कैटलॉग है हमारा। तो gbtechindia ये हमारा एड्रेस आ जाता है, तो आप तो किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।